सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मेरे को पता है ये बैक टू बैक दो वीडियो है आज के दिन, जो कि है 23 अप्रैल। बट गाइस, न्यूज़ ही कुछ ऐसा था जो कि वीडियो बनाना ज़रूरी था। रेडमी वाई टू के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, रेडमी वाई टू के यूज़र के लिए। तो गाइज़, आप लोग थंबनेल देखे तो पता चल ही हो गया कि रेडमी वाई टू में कन्फर्म हो चुका है एंड्रॉयड पाई का अपडेट देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइज़, वीडियो में अच्छे से बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्किप मत करना अगर आप रेडमी वाई टू के यूज़र है तो। सो गाइज, आप लोगों को पता होगा रेडमी वाई टू के यूज़र हो तो कि ग्लोबल बीटा अपडेट सस्पेंड कर दिया गया था। बोला गया था कि ग्लोबल बीटा अब एंड्रॉयड पाई देखने को मिलेगा ही नहीं। तो गाइज, एक अच्छी खबर निकल के आई है, जो कि एडमिन जो कि है एमआईवाई के एडमिन ने ही पोस्ट किया था, बट ये डिलीट पोस्ट डिलीट कर दिया गया था। बट गाइज, अब फिर से ये पोस्ट डाल दिया है उन्होंने। और गाइज, मैं लाइव आपको दिखा दे रहा हूँ आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से कि गाइज, इसमें जिन्होंने पोस्ट किया था रेडमी वाई टू, जैसे कि लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, या फिर गाइज आप लोग एम आई कम्युनिटी में ज्वाइन होकर एडमिन के पोस्ट में देख सकते हो। ये अभी फिर से अब एडमिन ने पोस्ट कर दिया है, पहले डिलीट कर दिया गया था, इसलिए व्हाट्सएप जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर बहुत सारे जो एम आई वाई के ग्रुप है, तो इसमें सबको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे। बट गाइज, अब फिर से ये पोस्ट डाला गया है, और गाइज इसमें क्लियरली लिखा गया है कि वाई टू को एंड्रॉयड पाई का अपडेट देखने को मिलेगा। बट गाइज, इसमें और एक कन्फ्यूजन है कि इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा गया कि पाई अपडेट बस पाई बीटा अपडेट बस सस्पेंड कर दिया गया, अभी बाद में फिर से स्टार्ट हो जाएगा। बट पता नहीं गाइज, तो बट इतना तो श्योर है कि रेडमी वाई टू एंड्रॉयड पाई का अपडेट फिर से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब फाइनली प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ये ऑफिशियल न्यूज़ है एडमिन की तरफ से। और एक न्यूज़ है गाइज, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है, मीन वाइल वी रिकमेंड द यूज़र of the Redmi Y2 who are using the MIUI beta ROM to upgrade to the latest MIUI stable ROM if they want। तो गाइज, इसका श्योरिटी नहीं बता सकते, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, स्टेबल अपडेट में पहले प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब स्टेबल अपडेट में डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, बीटा अपडेट में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बीटा अपडेट में पहले प्रोवाइड किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, देन स्टेबल में प्रोवाइड किया जाता है। तो इससे एक तो कन्फ्यूजन निकल के आ रहा है। बट गाइज, जहाँ कन्फ्यूजन जब कुछ न्यूज़ देखने को मिले तो आपको पोस्ट कर दूंगा, आपको बता दूंगा, कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और गाइज यही था आपको न्यूज़ बताना था। तो गाइज, मैं रिकमेंड करूंगा जो अपडेट में आप हो जो कि स्टेबल या बीटा, तो जिसमें आप हो उसी में रहें अभी, क्योंकि कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ है। बट इतना कंफर्म है कि एंड्रॉयड 9 पाई का अपडेट देखने को मिलेगा रेडमी वाई टू को। तो गाइज, कुछ भी कंफर्म हो स्टेबल में या फिर बीटा में, कभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिले और, तो गाइज आपको अपडेट देते रहूँगा। तो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो शेयर कर दें।